आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंडर में बहुत कुछ आता है, ठीक है। फ्रूट, सीड्स, फिर फैमिलीज, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आता है, इसलिए इसको दो भागों में पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें क्वेश्चन का आंसर, जो कि पढ़ने से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द फ्रूट इज चेम्बर्ड। पूरे क्वेश्चन को देख के चार आंसर उस टाइप का नहीं लिखा गया, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखेंगे लंबा, उसके बाद चार आंसर लिखेंगे, तो उसमें बहुत टाइम भी लगता है, मेहनत भी, इसलिए सीधे आंसर को लिख दिया गया है, ठीक है। द फ्रूट इज चेम्बर्ड, डेवलप फ्रॉम इन्फीरियर ओवरी। फ्रूट को हम देखेंगे एक ऐसा फल जिसके फल चेम्बर के अंदर रहते हैं, इस टाइप के चेम्बर के अंदर बहुत सारा फल रहते हैं, इन्फीरियर ओवरी से बना है। एंड सीड्स जो है, इसके अंदर जो सीड्स पाया जाता है उसके ऊपर का भाग, हम लोग जानते हैं एक सीड्स को, सीड्स का दो भाग होता है, बाहर के भागों को बोला जाता है टेस्टा, अंदर के भाग को बोलते हैं टेगमेन, ठीक है। ज़्यादातर सीड सूखे ड्राई टाइप का ही होता है, लेकिन एक फ्रूट्स ऐसा है जिसके जो टेस्टा वाला भाग है वो बहुत सक्यूलेंट मांसल टाइप का है, और जिसको खाया जाता है, और चेम्बर के अंदर बहुत सारे सीड्स जो है वो बंद रहता है, ठीक है। तो कौन सा फ्रूट ऐसा होता है जो चेम्बर के अंदर बहुत सारे सीड्स एक साथ बंद रहता है, और इन्फीरियर ओवरी होता है, और सीड्स के जो टेस्टा वाला भाग होता है वो सक्यूलेंट पार्ट होता है जिसको खाया जाता है। पम ग्रेनेट, इसका आंसर आएगा पम ग्रेनेट, ठीक है। एक पम ग्रेनेट को जब देखेंगे अंदर, तो पतले व्हाइट कलर के पतले लेयर से ग्रुप ऑफ सीड्स जो है कवर रहता है, ठीक है। और इसके अंदर से जब सीड्स को निकालेंगे, उसके ऊपर का भाग जो है पल्पी रहता है, अंदर हार्ड रहता है, हार्ड सीड। तो ये वाला है टेस्टा, टेस्टा वाले भाग को हम लोग खाते हैं पम ग्रेनेट में, ठीक है। एंडोस्पर्म कंज्यूम डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड्स, मतलब डाइकोट सीड्स में, बहुत सारे डाइकोट सीड्स ऐसा होता है जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है, ये वाले भाग। जैसे चना, चना को जब हम भिगाएंगे, भिगाने के बाद हम जब दो भागों में करते हैं, तो देखेंगे कि ये भाग में भी बहुत सारे फूड मटेरियल रहता है, इस भाग में भी बहुत रहता है, इसको बोला जाता है एंडोस्पर्म। तो बीच में जो एम्ब्रियो रहता है, वो एम्ब्रियो इस भागों से फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके ही बड़ा होता है, ठीक है। तो ये प्लांट्स जो छोटा बड़ा होता रहता है, इसमें जब लीफ बनता है, फोटोसिंथेसिस करने लगता है, तब तक यहीं से फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके ही एम्ब्रियो बड़ा होता है, ठीक है। इस भाग को क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को फूड मटेरियल के रूप में लिया जाता है, और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प होता है। कौन से सीड्स में, पी, बीन, ग्राम, ग्राउंडनट, ये सब में ऐसा देखा जाता है, ठीक है। दोनों साइड्स में एंडोस्पर्म रहते हैं, बीच में एम्ब्रियो रहते हैं, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म से फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके बड़ा होता है। रेप्लम प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर मस्टर्ड। मस्टर्ड के जब सीड्स को देखेंगे हम लोग देखे हैं मस्टर्ड के सीड्स जो है इस टाइप के होते हैं, ठीक है। इसके अंदर पतला एक झिल्ली रहता है, जिसके दोनों साइड में मस्टर्ड लगा रहता है, ठीक है। वो पतला जो झिल्ली रहता है उसको बोला जाता है रेप्लम, ठीक है। फॉल सेप्टम है, सेप्टम नहीं है, लेकिन फॉल सेप्टम माना जाता है कि जो दोनों साइड भाग कर दिए, दोनों साइड्स में सीड्स रहता है, ठीक है। रेप्लम प्रेजेंट रहता है किसमें, क्रूसी फेरी के प्लांट्स में, जैसे मस्टर्ड, सरसों में देखा जाता है कि बीच में एक फॉल सेप्टम बन जाता है, और दोनों साइड्स में सरसों होता है, ठीक है। रेप्लम फॉल सेप्टम होता है जो कि डिवाइडेड करता है यूनिलोक्युलर ओवरी को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, और बाइलोक्युलर नहीं है, फिर भी बाइलोक्युलर लगता है, और दोनों साइड्स में सीड्स पाया जाता है, ठीक है। मस्टर्ड, आर्जिमन इसका एग्जांपल होगा। द फ्लेसी रिसेप्टिकल ऑफ साइकोनस ऑफ फिग इनक्लोजेस ए नंबर ऑफ एक्नी ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। जो फिग रहता है, ठीक है, फिग जो रहता है उसके फल को, जैसे पीपल में,
बरगद में फिग, ये सब जो फल होता है, फल इस टाइप का फल होता है। फल के अंदर का भाग जो होता है खोखला होता है, ये बाहर का भाग जो होता है सक्यूलेंट मांसल होता है, ठीक है। और ये बाहर की ओर खुलता है जिसको बोलेंगे ऑस्टियोल। ये जो अंदर के खोखले भाग है इसके अंदर ऊपर की ओर मेल फ्लावर, नीचे की ओर फीमेल फ्लावर पाया जाता है, ठीक है। अजीब टाइप के इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है। इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसको बोला जाता है हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। और इस टाइप का जो फ्रूट होता है इसको बोला जाता है साइकोनस, ठीक है। फिग में ऐसा पाया जाता है। फ्लेसी रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल मतलब जिसमें फल होता है इसको बोलेंगे रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल भी फ्लेसी हो जाता है, ठीक है। और पूरी तरह से चारों तरफ से इनक्लोज कर देता है और इसके अंदर खोखला भाग रहता है जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर रहता है। इस टाइप से फ्रूट बनता है, ठीक है। तो ये जो फ्रूट्स होता है इसको साइकोनस टाइप ऑफ फ्रूट्स बोला जाता है। और इस टाइप का जो इन्फ्लोरेंस होता है इसको क्या बोला जाता है, हाइपेंथोडियम, ठीक है। फ्रूट्स के अंदर का भाग हॉलो रहता है, कप शेप फ्रूट रहता है। फ्लेसी रिसेप्टिकल में बहुत सारे सेसाइल यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है। ये जो फ्लेसी रिसेप्टिकल अंदर के जो भाग रिसेप्टिकल रहता है इसमें ऊपर की ओर मेल फ्लावर, नीचे फीमेल फ्लावर, इसलिए बोला जा रहा है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एट द टॉप मेल, एट द बॉटम फीमेल फ्लावर, ठीक है। तो इसी टाइप का होता है। इस टाइप का जो फूल फ्रूट होता है इसको साइकोनस बोलेंगे और इन्फ्लोरेसेंस को हाइपेंथोडियम। एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आया है, ठीक है। याद रखना है कि जो रिसेप्टिकल होता है वो फ्लेसी होता है, उसके चारों ओर फ्रूट रहता है, बीच का भाग हॉलो रहता है खोखला, और खोखले भाग में ऊपर की ओर मेल फ्लावर, नीचे की ओर फीमेल फ्लावर, ठीक है। इस टाइप के जो फ्रूट होता है इसमें फर्टिलाइजेशन भी थोड़ा अलग टाइप का होता है, क्योंकि ऊपर मेल फ्लावर रहता है, नीचे फीमेल फ्लावर रहता है। एक टाइप के इंसेक्ट है वेस्प करके, ठीक है। उस वेस्प इंसेक्ट इसके अंदर ही अंडा देते हैं। अंडे देने के लिए एक खाली वाले जो जगह है ऑस्टियोल, ऑस्टियोल से अंदर आ जाता है। अंदर आके इसके अंदर अंडा देंगे। अंडा देने के बाद जब फिर इसके अंदर से बाहर चले जाते हैं वो इंसेक्ट, तब क्या होता है, मेल एंड फीमेल फ्लावर के जो स्टेमेन एंड एग जो है उसमें फ्यूज़न करके इसमें हो जाता है डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो अब देखेंगे फ्रूट डेवलप फ्रॉम हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस कॉल्ड साइकोनस, ठीक है। दो तीन मतलब बहुत बार एक क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के, फ्रूट डेवलप होता है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से जिसको साइकोनस टाइप फ्रूट बोला जाता है, जैसे फिग, बनियन, पीपल, सेम यही है, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल प्रेजेंटेशन इज लेमन, टोमेटो, चाइना रोज। एक्साइल प्रेजेंटेशन किसको बोलेंगे, जब ओवरी को सेक्शन करेंगे हम, ओवरी को जब सेक्शन करते हैं तो इसके अंदर ओव्यूल पाया जाता है, ओवरी के अंदर हम लोग जानते हैं। तो ओव्यूल किस टाइप से अरेंजमेंट है, ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर कैसे रहता है, उसको प्रेजेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। तो इसको जब काटेंगे बीच में इस टाइप का एक्सिस दिखेगा, एक्सिस से जब ओव्यूल जुड़ा हुआ रहता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन किस में पाया जाता है, लेमन में, टोमेटो में, चाइना रोज में, इसमें जब हम लोग सेक्शन करेंगे तो एक्साइल प्रेजेंटेशन देखा जाता है, ठीक है। फ्लोरल फार्मूला ऑफ, ये वाला जो फ्लोरल फार्मूला होता है किस में पाया जाता है, ये वाला फ्लोरल फार्मूला जो है कई बार आया है, ये सोलेनेशी फैमिली का है, ठीक है। सोलेनेशी, सोलेनेशी में जितने भी स्पेसीज आता है उसके नाम से दिया जा सकता है। इसमें जैसे टोबेको दिया गया है, ठीक है। सोलेन ए क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्चुअल, कैलिक्स 5, गेमो, कोरोला 5, गेमो जुड़ा हुआ, एंड्रोसियम 5 खुला रहता है, फ्री एंड्रोसियम के साथ कोरोला जुड़ा हुआ रहता है, गाइनोसियम 2 होता है जुड़ा हुआ, और सुपीरियर ओवरी, ठीक है। इस टाइप का जो फ्लोरल फार्मूला है फैमिली सोलेनेशी में पाया जाता है, ठीक है। जैसे टोबेको दिया गया है, इसके बदले में मकोई दे सकते हैं, बेलाडोना दे सकते हैं, अश्वगंधा, पोटेटो, ब्रिंजल, चिली, टोबेको, पिटूनिया,
ठीक है, सब के बारे में फ्लोरल फॉर्मूला देंगे तो हमको सोलेनेसी ही लिखना है, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे कॉटिलीडन एंड टिस्टा रिस्पेक्टिवली आर एडिबल पार्ट इन ग्राउंडनट एंड पम ग्रेनेट, ठीक है। कॉटिलीडन, कॉटिलीडन किसको बोलेंगे, अभी हम लोग बोले थे कि चना में जो दोनों साइड्स का जो एंडोस्पर्म रहता है इसको कॉटिलीडन बोलते हैं, दो कॉटिलीडन इसलिए डायकॉट, ठीक है। तो कॉटिलीडन को खाया जाता है किसमें, हम लोग जानते हैं चना पी ये सब में, तो ग्राउंड नट होगा, ग्राउंड नट के भी कॉटिलीडन को खाया जाता है। और पॉम ग्रेनेट में क्या खाते हैं, टेस्टा। कॉटिलीडन एंड टेस्टा रिस्पेक्टिवली एडिबल पार्ट किसमें होता है, ग्राउंड नट एंड पॉम ग्रेनेट। ग्राउंड नट में कॉटिलीडन को खाया जाता है, पॉम ग्रेनेट में टेस्टा को खाया जाता है, ठीक है। चलो एन एग्जाम्पल ऑफ ए सीड विद एंडोस्पर्म पेरिस्पर्म करनकल, करनकल किसमें पाया जाता है, कैस्टर। कैस्टर के सीड्स को जब हम देखेंगे उसमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस टाइप का सीड्स के नीचे इस टाइप का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है करनकल, ठीक है। तो एंडोस्पर्म पेरिस्पर्म तो ठीक है, एंडोस्पर्म बाहर पाया जाता है, पेरिस्पर्म इसको बोलते हैं करनकल। करनकल याद रखना पड़ेगा, कैस्टर के सीड्स में स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है सीड्स में, करनकल। स्कूटेलम ऑब्जर्व इन ए सीरियल ग्रेन्स, स्कूटेलम पाया जाता है सीरियल, सीरियल मतलब है जैसे राइस व्हीट मेज ये सब चीज़ें जो रहते हैं इसके, जब ग्रेन्स को हम देखेंगे तो इसमें क्या पाया जाता है, स्कूटेलम, जो कि मोनोकोट सीड्स का स्पेशल कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे स्कूटेलम क्या है, तो मेज के सीड्स को जब हम अच्छे से मतलब सेक्शन करेंगे तो ऊपर वाला जो भाग रहता है, ये जो भाग रहता है मेज के सीड्स में इसको बोला जाता है एंडोस्पर्म, ठीक है। और नीचे वाला जो भाग दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, नीचे वाला जो भाग रहता है इसको बोलते हैं स्कूटेलम। स्कूटेलम और एंडोस्पर्म और स्कूटेलम पतले लेयर से घिरा हुआ रहता है जिसको बोला जाता है एल्यूरोन लेयर, ठीक है। एल्यूरोन लेयर जो रहता है इसमें बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन पाया जाता है। और ये जो भाग रहता है इसको बोलते हैं एपिथीलियम। और स्कूटेलम जो है इसके अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है, ठीक है। प्लीम्यूल एंड रेडिकल का डेवलपमेंट इसी जगह से होता है स्कूटेलम के अंदर। चलो स्कूटेलम किस जगह में पाया जाता है, सीरियल ग्रेन्स व्हीट राइस मेज जितने भी मोनोकॉट होते हैं, ज़्यादातर जो सीरियल्स जिससे हम लोगों को मिलता है ज्वार बाजरा गेहूँ सब में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो स्कूटेलम वाला भाग उसी में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। कॉम्पेरेबल टू विच पार्ट ऑफ सीड्स इन द मोनोकॉटिलीडन, स्कूटेलम होता है, ओवरी वॉल जो है थीन होता है, एंडोस्पर्मिक होता है, ठीक है। मोनोकॉट में ज़्यादातर एंडोस्पर्मिक सीड्स ही पाया जाता है। और एक क्वेश्चन इसी से आया है, प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट होता है मेज ग्रेन में। मैं बोली थी एंडोस्पर्म और स्कूटेलम ये दोनों पतले लेयर से घिरा हुआ रहता है जिसको बोला जाता है एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर जो है उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसलिए प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर मेज में पाया जाता है, ठीक है। इन यूनिलोक्युलर ओवरी विथ ए सिंगल ओव्यूल द प्रेजेंटेशन इन बेसल, हम लोग बहुत सारे प्रेजेंटेशन देखे हैं, एक्साइल प्रेजेंटेशन अभी कुछ देर पहले मैं बोली, ओवरी के अंदर ओव्यूल किस टाइप से अरेंज रहता है उसी को बोला जाता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। जब ओवरी में एक ओवरी को जब सेक्शन करेंगे तो हम देखेंगे ओव्यूल नीचे इस टाइप के बेस में पाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेसल प्रेजेंटेशन, ठीक है। जब सिंगल ओव्यूल रहता है बेस में तब बेसल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। यूनिलोक्युलर में ही ऐसा होता है, यूनिलोक्युलर मतलब एक ही ओवरी को, कई टाइप के होता है ओवरी, जैसे तीन सेक्शन होता है तो ट्राइलोक्युलर, दो सेक्शन होता है तो बाइलोक्युलर, यूनिलोक्युलर एक ही सेक्शन है, एक ही सेक्शन में एक ही ओव्यूल पाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिलोक्युलर में बेसल प्रेजेंटेशन। इसका एग्जांपल है मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड में बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। सनफ्लावर, सनफ्लावर में बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। कील इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर ऑफ बीन्स और लेग्यूमिनेसी फैबेसी फैमिली,
कील कहाँ पाया जाता है, एक फ्लावर स्पेशल टाइप का होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि पेपिलियोनेसी और लेग्यूमिनेसी फेबेसी इस प्लांट्स को जब हम देखेंगे उसके फ्लावर स्पेशल अलग टाइप का होता है, एक बड़ा सा पेटल पाया जाता है और दो मीडियम साइज का पेटल पाया जाता है, दो छोटे छोटे पेटल पाया जाता है। सबसे ऊपर जो स्टैंडर्ड बोलेंगे, बीच के मीडियम के दो को बोला जाता है विंग, और सबसे छोटे छोटे अंदर जो जुड़ा रहता है उसको बोलेंगे किल। किल किस में पाया जाता है? लेग्यूमिनेशी और फेबेसी फैमिली। इसका जो एस्टिवेशन होता है इसको बोला जाता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। इस टाइप का जो एस्टिवेशन होता है, वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट हम लोग जानते हैं ना, तो इसके एस्टिवेशन को एक किस टाइप से अरेंज रहता है? वैक्सिलरी एस्टिवेशन। द टेक्निकल टर्म यूज फॉर द एंड्रोसियम इन फ्लावर ऑफ चाइना रोज। चाइना रोज के जो फ्लावर होता है इसमें जो स्टेमेन होता है एकदम स्पेशल अलग टाइप का ही होता है। हम लोग चाइना रोज तो सभी देखे होंगे, चाइना रोज के फ्लावर को जब हम अच्छे से देखेंगे इस टाइप का दिखता है बीच में, ठीक है। जैसे कोरोला है, कोरोला के बीच से जो इस टाइप का एक ट्यूब निकलता है, उस ट्यूब के चारों ओर बहुत सारा स्टेमेंस पाया जाता है, एंड्रोसियम पाया जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है स्टेमिनल ट्यूब। एक ही ट्यूब में बहुत सारा स्टेमेन जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो प्रेजेंटेशन होता है इसको बोला जाता है मोनो एडेल्फास, ठीक है। मोनो एडेल्फास मतलब एक ही ट्यूब में सभी स्टेमेंस पाया जाता है, स्टेमेंस यूनाइटेड इन वन बंच, एक ही बंच में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या आएगा? चाइना रोज। चाइना रोज में मोनो एडेल्फास टाइप स्टेमेन का अरेंजमेंट रहता है। ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन द फ्लावर ऑफ पाम पीच रोज। एग्जाम्पल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को अच्छे से रटना पड़ेगा। हाफ इन्फीरियर, इसके बारे में मैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में अच्छे से बताई थी। हम लोग जानते हैं कोई भी फ्लावर, एक थैलेमस रहता है, एक पेडिसिल, फ्लावर का जो डंडल होता है उसको बोलते हैं पेडिसिल, ठीक। डंडल के ऊपर पाया जाता है थैलेमस, थैलेमस में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम पाया जाता है, ठीक है। तो जब इसके थैलेमस के ऊपर ओवरी रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर। जब बीच तक चले आते हैं ओवरी, इसको बोलेंगे हाफ इन्फीरियर, और जब पूरी तरह से ओवरी थैलेमस के अंदर रहता है उसको इन्फीरियर बोलेंगे, ठीक है। तो ओवरी हाफ इन्फीरियर किस में पाया जाता है? हाफ इन्फीरियर को पेरिगाइनस भी बोलते हैं। पाम, पीच और रोज़ इसका एग्जांपल है। ये तीनों प्लांट्स में, और बहुत सारे प्लांट्स हैं लेकिन पाम, पीच, रोज़ जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें पाया जाता है हाफ इन्फीरियर ओवरी। हाफ इन्फीरियर ओवरी का एग्जाम्पल है पाम, पीच, रोज़, ठीक है। फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज ए मॉडिफाइड सूट। देखो, फ्लावर ऑफ ट्यूलिप दिया गया है लेकिन कोई भी फ्लावर, ऐसा माना जाता है फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। जो स्टेम रहता है ये मॉडिफाई होके फ्लावर बनाते हैं ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसलिए कोई भी फ्लावर का नाम हो, ट्यूलिप के बदले में दूसरे फ्लावर का भी नाम हो, तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट ही होता है। ऑल फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट फिर सूट एपिकल मेरिस्टेम गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। सूट के सबसे ऊपर के जो भाग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है वही चेंज होकर फ्लावर बनाता है, इसलिए मॉडिफाइड सूट बोला जाता है फ्लावर को, ठीक है। इन टोमेटो फ्रूट इज बेरी। टोमेटो का जो फ्रूट होता है वो बेरी टाइप होता है, टोमेटो का फ्रूट बेरी टाइप होता है। सीड ऑफ ऑर्किड इज नॉन एंडोस्पर्मिक। ऑर्किड का जो सीड होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। ज़्यादातर डायकॉट जो प्लांट्स होते हैं उस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होता है, याद रखना, ठीक है। और मोनोकॉट्स में एंडोस्पर्मिक सीड्स होता है ज़्यादातर, कुछ एग्जांपल अलग है लेकिन ज़्यादातर नॉन एंडोस्पर्मिक डायकॉट होता है और मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक होता है। इन प्राइमरोज द प्रेजेंटेशन इज फ्री सेंट्रल। प्राइमरोज करके जो प्लांट है उसमें प्रेजेंटेशन फ्री सेंट्रल टाइप पाया जाता है। फ्री सेंट्रल मतलब ओवरी को जब सेक्शन करेंगे बीच का भाग पूरा खाली रहता है और खाली भाग के चारों तरफ इस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है, तो फ्री है ओव्यूल, इसीलिए इसको बोला जाता है, इस टाइप का जो अरेंजमेंट रहता है इसको बोला जाता है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल टाइप जो अरेंजमेंट रहता है प्रेम रोज में पाया जाता है, ठीक है। चलो, द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ चिली। चिली का करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऐसा होता है, इसके बारे में पहले बताया गया है और नहीं बोलूँगी क्योंकि चिली जो है सोलेनेशी में आता है।
सोलेनेशी फैमिली में फ्लोरल फार्मूला ऐसा रहता है। ठीक है, सोलेनेशी फैमिली के कोई भी प्लांट्स के बारे में दे, इसके फ्लोरल फार्मूला ऐसा ही होता है। ठीक है, ये ड्रूप डेवलप इन कोकोनट, मैंगो, आमंड, पीच। देखो हम लोग देखे थे अभी कि टोमेटो जो है बेरी फैमिली में आता है, ऐसे ही एक टाइप के फ्रूट्स होता है जिसको बोला जाता है ड्रूप। ड्रूप के अंडर में ऐसे फ्रूट्स आता है जिसका जो एंडोकर्व होता है, ठीक है, एंडोकर्व जो होता है, हम लोग जानते हैं कि जो फ्रूट्स होता है वो तीन भाग होता है, सबसे बाहर जो एपिकर्व, बीच में मेसोकर्व और अंदर एंडोकर्व, तीन भाग रहता है। जैसे आम, आम के जो छिलका रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, एपिकर्व। मीडियम फ्लेसी भाग जिसको हम लोग खाते हैं, मेसोकर्व। अंदर के जो भाग रहते हैं हम लोग जानते हैं स्टोनी पार्ट रहता है, उसको बोलेंगे एंडोकार्प। ठीक है, ऐसे ही नारियल, नारियल को जब हम देखेंगे तो बाहर के जो पतला छिलका रहता है वो एपिकार्प, बीच में पूरे फाइबर्स, फाइबर भरा हुआ रहता है वो मेसोकार्प, और अंदर जो नारियल हम लोग खाते हैं उसको तोड़ना पड़ता है, इतना हार्ड रहता है, वो है एंडोकार्प। तो मैंगो, कोकोनट एक ही ग्रुप में आ जाता है, एक ही टाइप के सीड्स हैं। आमंड जो बादाम होता है, ठीक है, बादाम को भी हम लोग जानते हैं कि इतने बड़े के अंदर बादाम रहता है, हमको इसको तोड़ना पड़ता है, उसके बाद ही बादाम निकलता है, मतलब इसके भी एंडोकर्व जो होता है स्टोनी होता है। जिस फल में भी स्टोनी एंडोकर्व होता है वो उस फल को बोला जाता है ड्रूप। ठीक है, ड्रूप डेवलप इन कोकोनट, मैंगो, आमंड, पीच। ड्रूप टाइप का फ्रूट्स किस में पाया जाता है, कोकोनट, मैंगो, आमंड, पीच। ठीक है, इतना याद रखने से चलेगा कि स्टोनी एंडोकार्प किस में होता है, ड्रूप में। ठीक है, उससे उसी से पता चल जाएगा, मोनोकार्पिलरी होता है, सुपीरियर ओवरी होता है। ठीक है, लेकिन फ्लेसी मेसोकार्प, बीच वाला भाग फ्लेसी होता है, और स्टोनी एंडोकार्प, थीन एपिकार्प, बाहर का एपिकार्प जो है थीन होता है ड्रूप में। फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर किसको बोला जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। हम लोग पढ़े थे कि सेंटर को रखते हुए कहीं से भी फ्लावर को काटा जाए तो सेम पीसेस में काटता है, इसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं, और रेडियली सिमेट्रिकल जिसमें आता है मस्टर्ड, चिली, धतूरा, एक्टिनोमॉर्फिक टाइप फ्लावर पाया जाता है। जाइगोमॉर्फिक मतलब बस बीच से काटेंगे तो दो सेम भागों में बटेगा, बाइलेटरल सिमेट्रिकल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और कुछ फ्लावर ऐसा भी होता है जिसको बोला जाता है एसिमेट्री, कहीं से भी कटेंगे सेम भागों में नहीं बटता। तो जाइगोमॉर्फिक जो है इसका एग्जांपल होता है गुलमोहर, केसिया, पी, बीन्स। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल है मस्टर्ड, चिली, धतूरा। फाइलोट प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलियन एकासिया, ऑस्ट्रेलियन एकासिया, एकासिया मतलब बबूल। बबूल के प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है लीप में, जिसको बोला जाता है फाइलोड। ठीक है, बबूल के लीप को जब हम देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि लीप में पेटियोल पाया जाता है, पेटियोल डंडल को बोलते हैं, लीप के डंडल को। तो बबूल में ऐसा पाया जाता है कि लीप जो है कुछ देर बाद झड़ जाता है, क्योंकि ये ज़ीरोफिटिक जगह में पाया जाता है। ज़ीरोफिटिक में ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशन पाया जाता है। ठीक है, तो लीप जो है कुछ देर बाद झड़ जाता है, तो लीप का जो पेटियोल होता है वो चपटा और फ्लैटेंड हो जाता है, मांसल हो जाता है, ग्रीन कलर का चपटा स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है फाइलोड। इसी से यही फोटोसिंथेसिस करने लगता है और लीप झड़ जाता है। ठीक है, फाइलोड प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलियन एकासिया, फाइलोड किस में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलियन एकासिया। इसके जो पेटियोल होता है फ्लैटेंड होता है, लीप के पेटियोल फ्लैटेंड होता है और सिकल शेप होता है, और फोटोसिंथेसिस करते हैं। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है फाइलोड। अब एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो, पोटैटो हम लोग जानते हैं जिस स्टेम होता है, अंडरग्राउंड मतलब मिट्टी के नीचे ही होता है पोटैटो, अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम पोटैटो। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। ठीक है, बहुत सारे ज़ीरोफिटिक प्लांट्स ऐसा होता है जैसे कैक्टस, ठीक है, उसमें क्या होता है लीप्स जो है कांटे का रूप ले लेते हैं। ठीक है, और ज़ीरोफिटिक प्लांट होता है डेजर्ट कंडीशन में ग्रो करता है, स्टेम एंड ब्रांचेस जो होता है ये ऐसे मांसल
फ्लैटेंड ग्रीन कलर का हो जाता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसको क्या बोलेंगे, फाइलोक्लेड। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं फाइलोक्लेड। कैक्टस, कैक्टस में जो लीफ होता है वो कांटे का रूप ले लेते हैं, स्टेम ब्रांचेस वो सब चीज़ें जो होता है वो पूरी मंसुलर स्ट्रक्चर हो जाता है ग्रीन कलर का, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जीरोफिटिक प्लांट होता है, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए लीफ जो है कांटे का रूप ले लेते हैं, ठीक है। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलेंगे, फाइलोक्लेड। इस स्ट्रक्चर को फाइलोड, ये याद रखना पड़ेगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन इससे कम होता है। सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं ओरिजिन सेम होता है फंक्शन अलग होता है, उसको हम बोलेंगे होमोलोगस। डिफरेंट ओरिजिन लेकिन सेम टाइप का फंक्शन करने वाले को बोलेंगे एनालोगस, ठीक है। बहुत सारे लीप ऐसा होता है, जैसे आम, आम के लीप के जो पेटियोल होता है, जो लीफ है लीप के जो पेटियोल होता है, यहाँ फूला हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोला जाता है पाल्विनस, ठीक है। लेग्यूम्स में भी इस टाइप का लीप पाया जाता है, लीप के जो नीचे का भाग वो पेटियोल होता है, उसके ऊपर का भाग जो है फूला हुआ रहता है, इसको बोलेंगे पाल्विनस। लेग्यूम्स मतलब दाल के फैमिली में भी इस टाइप का लीप पाया जाता है, ठीक है। देखो ट्रू लीप किसको बोलेंगे, ट्रू लीप मतलब हम लोग जानते हैं कि स्टेम के दो नोड में ही लीप होता है ना। ट्रू लीप इसको बोलेंगे जैसे नोड में दो लीफ हुआ और लीप के एक्सिल से एक्सिलरी बड पाया जाता है, इसको बोलेंगे ट्रू लीप। हर नोड में लीप रहेगा और लीप के एक्सिस से एक्सिलरी बड निकलेगा, इसको ट्रू लीप बोलेंगे। बहुत सारे लीप ऐसा होता है जिसको हम लोग अच्छे से देखेंगे तो दोनों साइड में जैसे लीप रहता है और लीप में एक्सिल में एक्सिलरी बड नहीं पाया जाता, उसको ट्रू लीप नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लीपलेट्स, ठीक है। इन ट्रू लीप एक्सिलरी बड प्रेजेंट इन लीप एक्सिस, लीप के एक्सिस में एक्सिलरी बड पाया जाता है। लेकिन व्हेन एक्सिलरी बड एब्सेंट, जब एक्सिलरी बड लीप में एब्सेंट रहता है उसको क्या बोला जाता है, लीपलेट्स, उसको ट्रू लीप नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल भी देखना पड़ेगा, लीपलेट्स किस में पाया जाता है एग्जांपल देखना है, ट्रू लीप किस में पाया जाता है एग्जांपल देखना है, ठीक है। आता है फूड स्टोरेज लीप ऑनियन गार्लिक, ऑनियन और गार्लिक इनके जो नीचे मिट्टी के नीचे जो भाग रहते हैं जिसको हम लोग खाते हैं वो लीफ ही होता है, फूड स्टोर करके रखते हैं, वो स्टेम नहीं होता, वो लीफ होता है, ठीक है। फूड स्टोरेज लीप ऑनियन और गार्लिक। लीप चेंज इन स्पाइन, लीप कांटे में चेंज हो जाता है, अभी हम लोग देखे हैं कैक्टस में होता है, एलोवेरा में होता है, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए लीफ स्पाइन में चेंज होता है, एलोवेरा कैक्टस, ठीक है। इन कुकुरबिटेसी फैमिली एक्सिलरी बर्ड, कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली में क्या आता है, लौकी, कुमड़ा, वाटरमेलन, ये सब चीज़ें आता है, करेला, ठीक है। इस सब फैमिली में जो लीफ होता है उसके एक्सिस से एक्सिलरी बर्ड निकलता है, वो एक्सिलरी बर्ड जो है वो टेंड्रिल का रूप ले लेते हैं सपोर्ट के लिए, क्लाइंबर प्लांट्स है सपोर्ट के लिए टेंड्रिल में चेंज हो जाते हैं, कौन सा भाग, एक्सिलरी बर्ड वाला भाग, ठीक है। इन बोगनविलिया, बोगनविलिया में एक्सिलरी बड वाला जो भाग होता है वो कांटे में चेंज हो जाता है सपोर्ट के लिए, जो वीक प्लांट्स उसमें ऐसा होता है। कुकुरबिटेसी फैमिली में एक्सिलरी बड टेंड्रिल में चेंज हो जाता है और बोगनविलिया में जो एक्सिलरी बड होता है वो कांटे में चेंज हो जाता है सपोर्ट के लिए, ये सब को बोला जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मालबेरी, पाइन एप्पल, इस ये जो फ्रूट्स होता है मालबेरी फ्रूट्स, पाइन एप्पल फ्रूट्स, इस टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं इसको बोला जाता है सोरोसिस, सोरोसिस, ठीक है। कॉम्पोसा, इसमें क्या होता है, पूरा इन्फ्लोरेसेंस, जैसे पूरे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस या पूरे साइमस इन्फ्लोरेसेंस, इस पूरे इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट्स में चेंज हो जाता है, पूरा एक साथ एक फ्रूट बनाता है, ठीक है। इस टाइप का जो फ्रूट्स बनता है इसमें एग्जांपल है मालबेरी, पाइन एप्पल, इस टाइप के फ्रूट्स को बोला जाता है सोरोसिस, सोरोसिस, ठीक है। पूरे इन्फ्लोरेसेंस जब एक फ्रूट बनाता है, कॉम्पोजाइट फ्रूट्स, सोरोसिस टाइप बोला जाता है इसको, मालबेरी पाइन एप्पल इसका एग्जांपल होता है, ठीक है। और ज़्यादातर स्पाइक और स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस ही ऐसा बनता है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट रहता है सोलेनम,
सोलेनम, साइमोस, रेसिमोस, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पहले बहुत अच्छे से मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस इसको बोलेंगे, जैसे स्टेम लंबाई में बढ़ता ही रहता है और नीचे जो है ओल्ड फ्लावर बनेगा, जितना ऊपर जाएंगे न्यू फ्लावर बनता रहता है और लंबाई बढ़ता ही रहता है प्लांट्स का। लेकिन साइमोस ऐसा नहीं है, साइमोस जैसे ही फ्लावर बनेगा उस जगह से प्लांट्स की लंबाई बढ़ना बंद कर हो जाएगा, ठीक। उसके नीचे से फिर ब्रांचेस निकलता है, उसमें फ्लावर बनेगा, जैसे ही फ्लावर बनेगा फिर प्लांट्स की लंबाई बढ़ना कम हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का जो इन्फ्लोरेशन होता है साइमोस बोलेंगे। इसका एग्जांपल आएगा सोलेनम। द गायनोसियम कॉन्सिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टिल इन फ्लावर ऑफ मिचेला, ठीक है। कुछ प्लांट्स में बहुत अलग अलग टाइप के फ्लावर रहते हैं, ठीक है। मिचेला जो फ्लावर होता है उसमें गायनोसियम बहुत सारा इस टाइप का रहता है, बहुत अलग अलग ओवरी, बहुत सारे ओवरी और सब एक दूसरे से अलग सेपरेट, ठीक है। मिचेलिया में ऐसा देखा गया है, फ्लावर ऑफ मिचेलिया। पेरीगाइनस फ्लावर पीच पाम रोज, पहले बताया गया था, सेकेंड बार आ गया ये। हाइपोगाइनस फ्लावर, ठीक है, ओवरी सुपीरियर। हाइपोगाइनस फ्लावर किसको बोलेंगे जो थैलेमस के ऊपर ओवरी रहता है, सुपीरियर ओवरी वो बोलेंगे उसको, हाइपोगाइनस भी बोला जाता है, ठीक है। थैलेमस के ऊपर ओवरी सुपीरियर, जैसे डेवलप इन द टॉप ऑफ थैलेमस, थैलेमस के ऊपर जो डेवलप होता है, अदर फ्लोरल ऑर्गेन भी आसपास रहता है, ठीक है। देखो हाइपोगाइनस प्लांट्स फ्लावर जो होता है इसका बहुत सारा दिया है, मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज, ल्यूपिन, सानहेम, ग्राम, बीन, चिली, पिटूनिया, टोमेटो, विथेनिया, पोटेटो, ऑनियन, एलो, ट्यूलिप, ये सब हाइपोगाइनस फ्लावर होता है। पेरीगाइनस फ्लावर रोज हम लोग देखे थे, ठीक है, पीच पाम रोज, गुआभा, कुकुम्बर, ये सब एपिगाइनस होता है, इन्फीरियर ओवरी। इन्फीरियर मतलब थैलेमस के अंदर ही पूरी तरह से ओवरी बंद रहता है और ऊपर कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे, एपिगाइनस। इस टाइप का एग्जांपल किसका होता है, गुआभा, कुकुम्बर और सनफ्लावर में रे फ्लोरेट्स का भी ऐसा होता है, ठीक है। इसी टाइप का पाया जाता है एपिगाइनस, मतलब थैलेमस के अंदर पूरी तरह से ओवरी बंद रहता है। चाइना रोज फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस होता है और ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाता है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन के बारे में भी कई बार बता चुकी हूँ मैं, जैसे वेलवेट, इस अलग अलग टाइप के पेटल जब एक ही पॉइंट में बस जुड़ा रहता है उसको वेलवेट, जब एक साइड नीचे एक साइड ऊपर, सबका एक साइड नीचे एक साइड ऊपर ऐसा जब रहता है उसको ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं, चाइना रोज में पाया जाता है। सीट कोट नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन कोकोनट, कोकोनट में सीट कोट जो होता है थिन नहीं होता, ठीक है। द कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर जो रहता है वो एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म बोलते हैं उसको, ठीक है। जो भाग कोकोनट का हम लोग खाते हैं वो भी एंडोस्पर्म वाला भाग रहता है, ठीक है। चलो द कोकोनट वाटर एंड एडिबल पार्ट, जो नारियल में हम लोग खाते हैं एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म इज द टिश्यू प्रोड्यूस इनसाइड द सीड्स फ्लावरिंग प्लांट्स टाइम अराउंड द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म कैसे बनता है, ठीक है, ठीक है, आप लोग को बता देती हूँ। जब फर्टिलाइजेशन होता है, हम लोग जानते हैं ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये ओवरी है, इसके बाद स्टाइल है, ऊपर स्टिग्मा होता है, ये थैलेमस, थैलेमस के ऊपर नीचे पेडिसिल, ठीक है। तो अंदर वाला जो भाग रहता है एम्ब्रियो सेक बोलेंगे उसको, ठीक है। उस एम्ब्रियो सेक में जो एग रहता है और बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। नीचे ऊपर तीन न्यूक्लियस, नीचे तीन न्यूक्लियस, बीच में दो न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो पोलिन ग्रेन्स होता है, पोलिन ग्रेन्स एक के साथ फ्यूज़न करता है, पोलिन ग्रेन्स जो होते हैं उसमें दो मेल गैमेट रहता है, दो मेल गैमेट, ठीक है। एक मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज़न करता है, फ्यूज़न करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। दूसरा मेल गैमेट बीच के पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़न करता है और बनाता है क्या, एंडोस्पर्म, ठीक है। पूरे ऐसे बहुत सारे पैरेन्काइमाटस टिश्यू बनाते हैं एंडोस्पर्म, जिसको कि खाया जाता है, जिससे न्यूट्रिएंट लेके ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, इसको क्या बोलेंगे हम, एंडोस्पर्म, जो मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़न करते हैं, ठीक है। तो कहाँ था,
एंड कोकोनट के जो वाटर होते हैं और कोकोनट के जो एडिबल पार्ट जिसको हम लोग खाते हैं सब एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, सीड्स के अंदर पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन के समय एंडोस्पर्म बनता है। प्लेजेंटा एंड पेरिकार्प बोथ एडिबल पोर्शन इन टोमेटो। टोमेटो का फल देखने से हम लोग को पता चलता है कि टोमेटो के बाहर एक पतला स्किन मेम्ब्रेन वाला मेम्ब्रेन रहता है, अंदर के पूरे भाग को हम लोग खाते हैं, एपिकार्प पेरिकार्प मेसोकार्प सबको खा लेते हैं, सीड्स को भी खाते हैं, है ना। तो टोमेटो में प्लेजेंटा पेरिकार्प बोथ एडिबल पोर्शन इन टोमेटो। इन टोमेटो द मेम्ब्रेनस स्किन, पतले मेम्ब्रेनस जो स्किन वो एपिकार्प होता है, मेसोकार्प मिडिल में फ्लेशी पार्ट रहता है, एंडोकार्प प्लेजेंटा सीड्स सबको खाया जाता है, खाने के रूप में यूज़ किया जाता है टोमेटो में, ठीक है। When the margins of sepal और petal irregular overlapping, देखो वेलवेट एस्टिमेशन किसको बोलेंगे हम लोग, जब एक ही पॉइंट में जुड़ा रहते हैं, ट्विस्टेड हम लोग इसको बोलते हैं। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, एक पेटल पूरी तरह से ऊपर, एक पेटल पूरी तरह से नीचे और बाकी ट्विस्टेड रहता है, ठीक है। और इसको ऐसा बोला जाता है इरेगुलर ओवरलैपिंग, मतलब कोई भी पेटल कोई भी एक दूसरे पर ओवरलैपिंग इरेगुलर टाइप से ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना देखते हुए एक पेटल दूसरे पेटल को ओवरलैप कर जाते हैं। इस टाइप का जो एस्टिमेशन पाया जाता है वो इम्ब्रिकेट होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल आएगा कैसिया गुलमोहर, प्रोटीनेसियस एल्यूरन लियान प्रेजेंट रहता है, मेज, इसको पहले हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। चलो पिटूनिया फैमिली आता है सोलेनेशी में, सोलेनेशी के पूरे एग्जांपल बताया गया है, इसके पहले बहुत सारा आता है, उसमें पिटूनिया भी आता है, मकोई बिलाडोना अश्वगंधा पोटेटो ब्रिंजल चिली टोबेको पिटूनिया सोलेनेसी का एग्जांपल है, ठीक है। एलियम फैमिली लिलिएसी, देखो एग्जाम इस टाइप का क्वेश्चन आया है कि फैमिली लिलिएसी में क्या आता है, एलियम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दे दिया गया है, इसी के बीच से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, ट्यूलिप एलोवेरा लिली ऑनियन ग्लोरियोसा एस्परागस कोल्चिसिन, ये सब लिली फैमिली में लिलिएसी में आता है, ठीक है। फैबेसी सेजबानिया जो है फैबेसी फैमिली में आता है, फैबेसी मतलब लेग्यूमिनेसी दाल फैमिली, पी ग्राउंडनट बीन्स पल्सेस इंडिगोफेरा सनहेम मुलेठी सेजबानिया ट्राइफोलियम, रटना पड़ेगा इसको अच्छे से, ठीक है। फ्लावर्स आर यूनिसेक्चुअल कुकुम्बर में, कुकुम्बर में फ्लावर जो होता है यूनिसेक्चुअल होता है, किसी फ्लावर में एंड्रोसियम पाया जाता है, किसी फ्लावर में गाइनोसियम पाया जाता है, इसलिए इसको यूनिसेक्चुअल फ्लावर बोला जाता है। रूट्स प्ले इन सिग्निफिकेंट रोल इन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन पिस्टिया आइकॉर्निया रूट पॉकेट। देखो जो फ्लावर जो प्लांट्स ये में पाया जाता है पानी में, ठीक है, पानी में कुछ प्लांट्स पाया जाता है पिस्टिया आइकॉर्निया, उसमें रूट कैप नहीं होता। हम लोग जानते हैं रूट के सबसे नीचे का भाग जो होता है प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप पाया जाता है, लेकिन पानी में पाए जाने वाले रूट को इस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, इसलिए उस रूट में क्या होता है इस टाइप का पॉकेट पाया जाता है, रूट पॉकेट, जो कि तैरने में हेल्प करते हैं। इस टाइप के जो प्लांट्स रहते हैं पानी में पाए जाने वाले उसको वाटर सरफेस में तैरने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो रूट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन पिस्टिया आइकॉर्निया, पानी में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उसमें रूट कैप नहीं पाया जाता, रूट पैकेट पाया जाता, पॉकेट पाया जाता है, रूट पॉकेट जो होता है रूट कैप के बदले में पाया जाता है, प्लांट्स को बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, स्विमिंग करने के लिए प्लांट्स को बैलेंस रखने के लिए पानी में हेल्प करता है रूट पॉकेट। ए फ्रूट डेवलप फ्रॉम कॉन्डेंस इन्फ्लोरेंस इन कॉम्पोजाइट फ्रूट, जो हम लोग अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले, पूरे इन्फ्लोरेसेंस एक साथ जुड़ के जब एक फ्रूट बनाते हैं उसको कॉम्पोजाइट फ्रूट बोलते हैं, उसको सोरोसिस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या पढ़े थे, जब एक साथ मिलके पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता है, अनारस जो है उसको पढ़े थे हम लोग, पाइन एप्पल, ठीक है। द फ्लोरल फार्मूला, ये फ्लोरल फार्मूला किसमें होता है, रेस्पेक्ट ब्रैसिका कॉम्पेस्ट्रीज, देखो ब्रैसिका मतलब सरसों,
सरसों के फ्लावर को जब अच्छे से देखेंगे, आना तो नहीं चाहिए, कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी दे दिया गया है, जो भी हो, कैलिक्स 4 होता है सरसों में और कोरोला भी 4 होता है, ठीक है। और इस टाइप से 4 कोरोला प्रेजेंट रहता है, क्रॉस एक दूसरे के क्रॉस टाइप का प्रेजेंट रहता है, इसलिए क्रूसी फेरी में आता है, ठीक है, इसको क्रूसी फेरी में आता है बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, कैलिक्स 2+2 4, कोरोला 2+2 4, एंड्रोसियम 4+2। इसमें एंड्रोसियम स्टेमेन भी थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, 4 बड़े लंबे लंबे एंड्रोसियम होते हैं, 2 छोटे होते हैं। गाइनोसियम बाइक लोक्यूलर होता है और जुड़ा हुआ रहता है सिनकार्पस। ये है ब्रैसिका कॉम्पेस्ट्रिस, सरसों का फ्लोरल फार्मूला, ठीक है। इतना याद रखना है, सरसों में कैलिक्स 4 होता है, कोरोला 4 होता है, बाकी फ्लावर में ज़्यादातर नहीं दिखता। पेपस और हेयर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, एस्टरेसी फैमिली में आता है। देखो बहुत सारे, जैसे कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस में हम लोग देखे हैं कि जिस जो फल होता है वो फल जब फट जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर से सीड्स पूरा बाहर निकल जाता है। सीड्स जब बाहर फैल जाता है चारों तरफ, उसको बोला जाता है सीड डिस्पर्सल, ठीक है, क्योंकि सीड जाके जहाँ भी गिर जाएगा उस जगह में प्लांट बन जाएगा सीड से, इसको सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। तो सीड्स में बहुत अलग अलग टाइप का एडोप्टेशन पाया जाता है। कुछ सीड्स में ऐसा होता है जो सीड्स हैं उसमें पूरे इस टाइप का हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिससे बहुत ऊपर ऊपर उड़ता रहता है। हम लोग देखे हैं कॉटन में भी होता है, एक सीड्स रहता है चारों तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत दूर दूर उड़ के जाता है, जिस जगह गिर जाता है उस जगह इस सीड से नया फ्लावर नया प्लांट्स बनता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है पेपस। पेपस और हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, एस्टरेसी फैमिली में आता है। इनफ्लोरेसेंस ऑफ लिली एसी फैमिली में हम लोग क्या देखे थे, ट्यूलिप, एलोवेरा, लिली, ऑनियन, एस्परागस, कोलचिसिन, ये सब चीज़ों को देखे थे, है ना। तो लिली एसी फैमिली में लिली एसी फैमिली का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है साइमोस टाइप होता है और सॉलिटरी, ठीक है। किस प्लांट्स के फ्लावर के फ्लावर बड को खाने के रूप में यूज़ किया जाता है, फ्लावर बड इज़ ए सोर्स ऑफ कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। फ्लावर बड को कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूप में पाया जाता है। साइजियम एरोमेटिकम, इसके बड्स को खाया जाता है। हम लोग जानते हैं फ्लावर का बड्स किस में खाते हैं, हम लोग लॉन्ग में, लॉन्ग में इस टाइप का जो फ्लावर होता है उसके जो बड होता है इस फ्लावर बड को हम लोग खाते हैं। तो फ्लावर बड को कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, साइजियम एरोमेटिकम लॉन्ग को बोलते हैं ये, ठीक है। एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो का ही रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। चलो रूट के स्ट्रक्चर को हम लोग एक बार देख लेते हैं। रूट के जब स्ट्रक्चर को हम अच्छे से देखेंगे, सबसे नीचे पाया जाता है रूट कैप, उसके ठीक ऊपर जो सेल पाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा डिवीजन होता रहता है, उस भाग को बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल पाया जाता है जो लगातार डिवीजन करते रहते हैं और रूट की लंबाई को बढ़ाते हैं। उसके ऊपर रहता है इलोंगेशन रीजन और उसके ऊपर रहता है मैच्योरेशन रीजन, जिसमें प्लांट डिवीजन करते करते एक समय ऐसा आया इसमें आगे और डिवीजन नहीं होता, इस रीजन में रूट हेयर पाया जाता है, ठीक है। और रूट हेयर ही वाटर एब्सॉर्प्शन करते हैं, सॉइल के नीचे पाया जाता है, सॉइल के नीचे वाटर एंड मिनरल का एब्सॉर्प्शन रूट हेयर के द्वारा ही होता है। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन रीजन से रूट हेयर निकलता है, ठीक है। प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर एंड सो वीवी पेरी हेलोफाइट्स राइजोफोरा। चलो वीवी पेरी मतलब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे जगह में होता है समुद्र के आसपास, जैसे समुद्र है, समुद्र के आसपास जो प्लांट्स होगा वो दलदली वाले जगह में होता है, इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं इसको बोला जाता है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स मतलब नमक में पाए जाने वाले प्लांट्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा जब सॉयल में नमक रहता है तो प्लांट्स के जो रूट्स होता है वो रेस्पिरेशन ठीक से नहीं कर पाता, इसलिए क्या होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर
ग्राउंड सॉयल के ऊपर से ग्रो करता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है न्यूमेटोफोर। इसमें बहुत सारे पोर पाया जाता है जिसको बोलते हैं लेंटिसेल। इस पोर से ही गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो भी है न्यूमेटोफोर से होता है, ठीक है। और इसमें जो प्लांट्स में जो फ्लावर होता है उसको बोला जाता है वीवीपेरी, वीवीपेरस टाइप प्लांट्स बोलते हैं। वीवीपेरी का मतलब क्या होता है, जो प्लांट्स होता है उसमें सीड्स, जो फ्लावर है, फ्लावर के बाद सीड्स, सीड से प्लांट बन जाना, उसमें रूट स्टेम सब बन जाना, सब प्लांट्स में रहते हुए ही हो जाता है। उसके बाद एक गिरता है मिट्टी में और ग्रो करता है। इस टाइप का जो प्लांट्स होते हैं इसको बोला जाता है वीवीपेरी। तो ऐसा ही प्लांट्स होते हैं, क्योंकि नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, सीड्स गिरेगा तो उसमें जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो प्लांट्स जो समुद्र के आसपास पाया जाता है, उस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उसको बोला जाता है हेलोफाइट्स। इसका एग्जांपल आएगा राइजोफोरा। वीवीपेरी टाइप होता है क्योंकि प्लांट्स में जो फ्लावर होता है, सीड्स होता है, फ्रूट्स होता है, जर्मिनेशन हो जाता है, सब प्लांट्स में रहते हुए हो जाता है, उसके बाद गिरता है और प्लांट्स ग्रो करता है, ठीक है। उस टाइप के जो प्लांट्स होता है उसमें रेस्पिरेशन के लिए सॉयल के ऊपर इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है न्यूमेटोफोर। इसमें बहुत सारे पोर रहता है जिसको बोलेंगे लेंटिसेल, और उस पोर से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी रूट भी बोलते हैं इसको। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया जाता है। वीवीपेरस प्लांट्स भी बोल सकते हैं इसको, मैनग्रोव प्लांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि समुद्र के आसपास जो जंगल होते हैं उसको मैनग्रोव एरिया बोलते हैं। तो इसके प्लांट्स को बोला जाता है मैनग्रोव प्लांट्स। मार्सी एरिया, मार्सी मतलब दलदली वाले जगह, ठीक है। और न्यूमेटोफोर टाइप रूट्स पाया जाता है, इसको रेस्पिरेटरी रूट भी बोला जाता है। स्टील रूट किसमें पाया जाता है, सुगर केन मेज। जो सुगर केन जानते हैं हम लोग, बहुत लंबे लंबे होते हैं बांस, लंबे लंबे होते हैं, इसमें नोड इंटरनोड पाया जाता है, तो बहुत लंबे लंबे होते हैं। और इसके रूट्स जो होते हैं टैप रूट नहीं होता, क्योंकि मोनोकॉट, हम लोग जानते हैं मोनोकॉट में टैप रूट नहीं होता, फाइब्रस रूट होता है। तो इसलिए प्लांट सीधा, उतना लंबा प्लांट हो जाने से सीधा खड़े नहीं हो सकते, इसलिए इसके ऊपर के जो नोड्स होता है उस नोड से भी ऐसे बहुत सारा रूट निकलता है और सॉयल में चिपक जाता है, जिससे कि प्लांट सीधा खड़े, मतलब स्ट्रेंथ देने के लिए रूट निकलता है नोड्स से, ठीक है। इसको बोला जाता है स्टील रूट। सुगर केन में, मेज में ऐसा देखा जाता है, स्टील रूट निकलता है सपोर्ट देने के लिए प्लांट्स को, ठीक है। स्वीट पोटेटो, स्वीट पोटेटो जो होता है, मॉडिफाइड एडवेंटिटियस रूट्स। इसमें जो एडवेंटिटियस रूट होता है, उस एडवेंटिटियस रूट्स जो है उसके अंदर फूड को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। मतलब रूट मॉडिफाई हो जाता है फूड स्टोरेज ऑर्गेन के रूप में स्वीट पोटेटो में, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमेन अटैच टू द थैलेमस। देखो जो थैलेमस होता है उससे जो स्टेमेन निकलता है, हम लोग जानते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम रहता है थैलेमस के ऊपर। जो एंड्रोसियम रहता है उसमें नीचे के भाग को फिलामेंट बोलते हैं, ऊपर के भाग को क्या बोलेंगे, एंथर, बीच के कनेक्टिव हम लोग जानते हैं। जो थैलेमस से के सामने जो पोर्शन होता है स्टेमेन का, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल एंड, और जो थैलेमस से दूर उसको बोलेंगे डिस्टल एंड, ठीक है। थैलेमस के सामने जो फिलामेंट होता है प्रॉक्सिमल एंड, थैलेमस से दूर जो फिलामेंट होता है उसको बोलेंगे डिस्टल एंड। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड स्टेमेन का थैलेमस से अटैच रहता है, ठीक है। पॉमेटली कॉम्पाउंड लीफ प्रेजेंट इन सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन का जो ट्री होता है उसके जो लीफ होता है उसमें इस टाइप के जुड़ा हुआ लीफ दिखाई देता है, जैसे पम होता है हाथ का, ऐसे टाइप का, इसलिए इसको बोला जाता है पॉमेटली कॉम्पाउंड लीप, ठीक है। चलो द टर्म पॉली एडेल्फस रिलेटेड टू एंड्रोसियम। पॉली एडेल्फस हम लोग पढ़े थे कि एक ही जगह जब पूरे स्टेम चैनल उसमें देखे थे कि एक ही ट्यूब में बहुत सारा स्टेमेन अटैच रहता है, इसको बोलेंगे मोनो एडेल्फस। जब लेग्यूमिनेसी प्लांट्स को देखेंगे, फ्लावर को देखेंगे हम लोग, उसमें देखेंगे स्टेमेन दो ग्रुप में पाया जाता है, एक ग्रुप में 9 स्टेमेन, एक ग्रुप में 1 स्टेमेन, तो उसको बोला जाता है डाई एडेल्फस। कुछ प्लांट्स के एंड्रोसियम जैसे लेमन,
इसमें पॉली एडेल्फस होते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टेमेन होता है, सब अलग अलग फ्री होता है, इसको क्या बोलेंगे हम, पॉली एडेल्फस। तो पॉली एडेल्फस एंड्रोस क्या बोलता है कि ये टर्म कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो हमको बोलना है कि पॉली एडेल्फस जो है स्टेमेंस जो है पूरा अलग अलग होता है, बहुत सारा स्टेमेंस होता है। ये हम लोग साइट्रस फैमिली, जैसे लेमन ऑरेंज, इसमें इस टाइप के फ्लावर होता है, फ्लावर में इस टाइप का स्टेमेन होता है, ठीक है। कैना फ्लावर जो है एसिमेट्रिक में आता है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे एक्टिनोमॉर्फिक जिस साइड से भी काटेंगे सेम डिवाइड होगा। जाइगोमॉर्फिक केवल बीच से डिवाइड होता है, बायलेटरल सिमेट्रिकल, और कुछ था एसिमेट्री, कहीं से भी कटे सेम भागों में नहीं कटेगा, उसका एग्जांपल है कैना। कैना फ्लावर में एसिमेट्री टाइप पाया जाता है, ठीक है। इन जिंजर टर्मरिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑकर थ्रू राइजोम, जैसे अदरक हल्दी, ठीक है, हम लोग सभी देखे हैं, उसको राइजोम बोला जाता है। राइजोम पार्ट जो है उसी से अदरक हल्दी ये सब बनता है, ठीक है। स्टेम जानते हैं हम लोग ऊपर की होता है, रूट नीचे, और कुछ प्लांट्स में इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन सॉइल के नीचे ग्रो करता है प्लांट्स को सपोर्ट देने के लिए, इसको बोला जाता है राइजोम, ठीक है। तो राइजोम जो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उसमें फूड मटेरियल्स कलेक्ट रहता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आएगा अदरक हल्दी जिंजर टर्मरिक। द व्हीट मेज राइस ग्रेन, उसमें जो एम्ब्रियो रहता है उसमें कॉटिलेडन के अंदर एम्ब्रियो रहता है, जिसको बोला जाता है स्कूटेलम, ठीक है। इसको पहले भी मैं बताई हूँ, जे मेज के जब सीड्स को हम सेक्शन करेंगे, ऊपर वाला ये वाला जो खाने वाला पार्ट, हम लोग जो मेज का जो भाग खाते हैं इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। और नीचे दो भागों में बटा रहता है, नीचे वाला भाग जो है इसको बोलते हैं स्कूटेलम, स्कूटेलम के अंदर एम्ब्रियो रहता है, ठीक है। देखो हम लोग जानते हैं एम्ब्रियो से ऊपर प्लीम्यूल बनता है, नीचे रेडिकल बनता है, रेडिकल से रूट बनता है, प्लीम्यूल से प्लांट्स बनता है, ठीक है। तो प्लीम्यूल भी पतले मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है इसमें, जिसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और रूट भी पतले मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, जिसको क्या बोलेंगे, कोलियोराइजा, ठीक है। ये दोनों एम्ब्रियो का पार्ट है, ऊपर से प्लांट्स का ऊपर का भाग बनता है स्टेम वाला पार्ट, इससे रूट वाला भाग। तो स्कूटिलम के अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो को दो भागों में बांटेंगे हम लोग, पतले छिलके से घिरा रहता है कोलियोप्टाइल, एक कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल से प्रीम्यूल बनता है, कोलियोराइजा से रेडिकल बनता है, और ये पूरे भाग जिसके अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है उसको बोला जाता है स्कूटेलम, ऊपर के भाग को एंडोस्पर्म, पतले लेयर से घिरा रहता है उसको बोलेंगे एल्यूरोन लेयर, ठीक है। कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन कॉल्ड स्कूटेलम, कॉटिलेडन बोलते हैं इसको, कॉटिलेडन को स्कूटेलम बोलते हैं, ठीक है। द हिलम इज ए स्कर ऑन द सीड वेयर फ्यूनिकल वॉज अटैच्ड। हिलम किसको बोलेंगे, जैसे ये है चना, ठीक है। चना में हम लोग अच्छे से देखेंगे तो नीचे की ओर ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ एक छोटा सा पोर रहता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है हिलम। ये जब एम्ब्रियो रहता है, एम्ब्रियो में हम लोग पढ़े हैं यहाँ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, तो जहाँ एम्ब्रियो सेक से जुड़ा हुआ रहता है, ये भाग जब अलग हो जाता है तो इस टाइप का एक चिन्ह रह जाता है, स्कार, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, हाँ, हिलम। प्रेजेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट इस पेराइटल प्रेजेंटेशन, मस्टर्ड आर्जिमोन, ठीक है। जब हम किसी ओवरी को सेक्शन करेंगे, ओवरी को जैसे सेक्शन किए हम लोग, ये ओवरी है, ओवरी को ऐसे सेक्शन किए, तो हम क्या देखेंगे, किनारे से ओव्यूल निकलता है, पेराइटल पार्ट से ओव्यूल निकलता है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, पेराइटल प्रेजेंटेशन। इसका एग्जांपल आएगा मस्टर्ड आर्जिमोन, ठीक है। इसमें पेराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, प्रेम रोज पढ़े थे हम लोग, डायंथस भी आएगा। फ्री सेंट्रल किसको बोलेंगे, जब ओवरी को सेक्शन करेंगे तो बीच में हॉलो रहेगा और इसके चारों तरफ ओव्यूल पाया जाता है, तो ओव्यूल फ्री है, इसलिए फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। इसका एग्जांपल आएगा प्रेम रोज, डायंथस, ठीक है। मैरीगोल्ड ना, मार्जिनल प्रेजेंटेशन किसमें पाया जाता है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है
मटर मार्जिन से जब ओव्यूल लगा रहता है, ओव्यूल से सीड बनते हैं हम लोग जानते हैं, मटर तो हम लोग सभी खाते हैं जानते हैं कि साइड्स मार्जिन से जब सीड्स लगा रहता है मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल ग्राम, बबूल, कैसिया, एक्साइल प्रेजेंटेशन, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, इसके बारे में कई बार बोल दी। एक्सिस से जब प्लेजेंटा लगा हुआ रहता है ओवरी काटने से, एक्साइल प्रेजेंटेशन। बेसल में मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, सुपरफिशियल लोटस, निम्फिया ट्रैपा, लोटस निम्फिया ट्रैपा। इसमें क्या होता है जब सेक्शन करेंगे ओवरी को तब हम देखेंगे कि बहुत सारा इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है और पूरे मतलब बहुत ज़्यादा आसपास रहते हैं और इसमें पूरे बहुत सारा सीड्स लगा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल लोटस निम्फिया ट्रैपा, इसका एग्जांपल आएगा। ट्राई कार्पिलरी सिनकर्पस गाइनोशियम पाया जाता है लिलिएसी फैमिली में, लिलिएसी फैमिली, ठीक है। जैसे प्याज, लहसुन, इसके प्लांट्स के जो फ्लावर को हम देखेंगे तो तीन कैलिक्स पाया जाता है, तीन कोरोला पाया जाता है और ओवरी को भी जब हम सेक्शन करेंगे देखेंगे कि इस टाइप का ओवरी तीन भाग, तो ट्राई कार्पलरी बोला जाता है, ठीक है। तीन भाग जब रहता है ट्राई कार्पिलरी, दो भाग को बाई कार्पिलरी, एक ही जब रहता है मोनोकार्पिलरी, तो तीन पाया जाता है ट्राई कार्पिलरी। ट्राई कार्पिलरी सिनकर्पस गाइनेशियम पाया जाता है लिलिएसी में। पिचर ऑफ नेपेंथिस, पिचर प्लांट, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है पिचर प्लांट्स, हम लोग सभी जानते हैं कि लीफ जो होता है मॉडिफाइड हो जाता है, पिचर का रूप ले लेते हैं और उसके अंदर एक कलश टाइप का रहता है और उसमें एक ढक्कन टाइप का रहता है, जब इंसेक्ट इस जगह में बैठते हैं ढक्कन बंद हो जाता है, ठीक है, और इसके अंदर के नाइट्रोजिनस मटेरियल को एक एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पिचर प्लांट्स जो है उसको बोलते हैं नेपेंथिस, उसके लीप जो है मॉडिफाई होता है, लीप मॉडिफाई होके पिचर का रूप ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल फ्रूट, एक ही फ्लावर, ओवरी प्रेजेंट और सिनकर्पस मल्टीकार्पिलरी, इन एग्रीगेट फ्रूट जो होता है, सिंपल फ्रूट किसको बोलेंगे, एक फ्लावर होगा एक ओवरी रहेगा, ठीक है, ओवरी के अंदर जो जैसे दो भी ओवरी रहेगा तो आपस में जुड़ा हुआ ऐसा रहता है, उसी से सिंपल फ्रूट बनता है। एग्रीगेट फ्रूट जब बहुत सारा ओव्यूल एक साथ मिक्स होके जब ओवरी बनाता है, फ्रूट्स बनाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट फ्रूट। इसमें एपोकार्पस, एपोकार्पस मतलब जितने भी ओवरी रहता है वो अलग अलग ऐसा रहता है, इससे जब फ्रूट्स बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट फ्रूट। सिनकर्पस किसको बोलेंगे, जैसे दो तीन ओवरी रहेगा लेकिन आपस में पूरा फ्यूज रहता है, उससे सिंपल फ्रूट बनता है, एग्रीगेट एपोकार्पस से एग्रीगेट फ्रूट बनता है, ठीक है। चलो आधा, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया लेकिन ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का आधा क्वेश्चन हुआ, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, तो आधा इसके बाद दिया जाएगा।